आदरणीय विभाग और प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार, अध्यापक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मंदिर बड़ा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर है वो एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना, और उस महामारी ने सभी देशों को है वो अपनी चपेट में ले रखा है, और अभी तक इस महामारी का कोई भी इलाज संभव नहीं है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है और इससे बचाव भी इसकी एकमात्र सुरक्षा है। तो इसके लिए सरकार ने है वो अपने देश के अंदर लॉकडाउन लगा रखा है, और हाल ही में इस लॉकडाउन को 17 मई के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर आप किसी भी राज्य के अंदर स्कूल कॉलेज सब बंद है, और ऐसे में हम सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। लेकिन मैं 2-3 दिनों से ये सोच रहा था कि क्योंकि मैं मैथ और साइंस का अध्यापक हूँ, तो मैथ और साइंस एक ऐसे विषय है जिनको निरंतर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और बच्चे जब कुछ दिन के लिए इसके अंदर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वो कुछ भूलना शुरू कर देते हैं। तो काफी दिन से विचार चल रहा था कि किस तरह से है बच्चों को, बच्चे भी अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और हम भी है वो बच्चों के साथ किसी भी माध्यम से जुड़े, ताकि वो एक इस मैथ और साइंस जिनके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है उन बच्चों को प्रैक्टिस भी करवा सकें। लेकिन पहले तो ये उम्मीद थी कि लॉकडाउन है वो शायद 3 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन और बढ़ गया है, और अभी हम किसी को ये नहीं पता है कि लॉकडाउन है वो कितने दिन और चलेगा और कब तक विद्यालय वो खुलेंगे। तो ऐसे में अपने बच्चों के जो मैथ और साइंस के विषय है उसकी तैयारी के लिए एक यूट्यूब चैनल का विचार किया, और इसके अंदर हम चाहते हैं कि रेगुलर आपको प्रत्येक कक्षा के हिसाब से कक्षा 6, 7 और 8 के लिए मैथ और साइंस के एक विशेष बिंदु के अंदर आपसे हम डेली इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रूबरू हुई, और साथ ही आपको एक निरंतर अध्ययन के लिए कुछ न कुछ शिक्षण सामग्री है वो अवेलेबल करवाई। इसके लिए मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है MS एजुकेट, नाम से एक चैनल बनाया है यूट्यूब के अंदर। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को देखकर जो अपनी क्लास की बुक्स हैं उनका निरंतर अध्ययन करें, ताकि हम है वो इन विषयों से है वो लगातार जुड़े रहें, और जैसे लॉकडाउन 1 महीने 15 दिन या 2 महीने के बाद खत्म होता है, विद्यालय लगता है, तो हम एक मतलब जीरो से नए शुरू करके हम ऐसे शुरू करें कि हाँ हमने कुछ सीख रखा है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक अपने चैनल का परिचय दे देता हूँ। जैसा कि मैंने नाम लिखा है आपके बोर्ड पे, अपने चैनल का नाम है MS एजुकेट। तो आपको इसको कैसे सर्च करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले सबसे पहले यूट्यूब अपने मोबाइल के अंदर ओपन कीजिए, या www.youtube.com पे जाइए। उसके बाद आपके पास ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आता है, जैसे इस तरह का निशान मिलेगा। इस निशान के ऊपर जैसे ही आप ओके करोगे तो वहां भी आपको लिखना है MS एजुकेट। MS कैपिटल लेटर में है और एजुकेट स्पेस देना है बीच में, और इसको जैसे ही लिखोगे तो अपना चैनल है वो आ जाएगा, और उस चैनल के अंदर आपको जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो दिखाई देंगे। तो उससे पहले आपको एक काम और करना है, वो ये है कि आप इस चैनल जैसे ही आप चैनल ओपन करोगे तो इसके नीचे लाल अक्षरों के अंदर आपको एक सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि उस सब्सक्राइब पे ओके कर दीजिए, ताकि भविष्य के अंदर जो भी आगामी वीडियो हम डालेंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे। उसके पास ही आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगा, इसके ऊपर भी आप ओके कर दीजिए, ताकि ये समय समय पर जैसे ही हम इसके ऊपर अपडेट नए वीडियो अपडेट करेंगे तो आपको शो हो जाएगी। तो मैं एक छोटा सा परिचय, ये तो अपने चैनल के बारे में था। इसके साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध भी करूंगा, अभिभावकों से भी मेरी अपील रहेगी कि सभी बच्चों को आप है वो इस यूट्यूब चैनल को
दिखाएं और जो हम जहाँ पे अध्ययन करवाएं उसको बच्चों को करने के लिए प्रेरित भी करें, उनको टाइम भी दें कि ये लोग तैयार है वो आसन में ये करवाया तो आप इसके ऊपर कुछ काम करो। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, अभिभावकों से भी मैं अपील करूंगा और विद्यार्थियों को भी ये कहूंगा कि मैं प्रत्येक जो टॉपिक है जैसे मैथ का टॉपिक लिया या विज्ञान का भी कोई भी हमने टॉपिक लिया तो उस टॉपिक को करवाने के बाद यूट्यूब पर बिल्कुल आपको अलग जैसे क्लास में मैं समझा रहा हूँ वैसे समझाऊंगा, उसके बाद प्रत्येक सवाल हम करेंगे और जैसा हमने सवाल जैसे हमने निकाले हैं उसी तरीके से आपको एक या दो सवाल एक्सरसाइज के लिए दूंगा जो आपको डेली एक कॉपी लगा लेनी है नोटबुक जिसके अंदर आपको प्रत्येक एक या दो क्वेश्चन है वो आपको डेली हल करने हैं। तरीका वही रहेगा जो हमने पहले करवा दिया है, ठीक है। और जैसे ही लॉकडाउन के बाद विद्यालय खुलता है तो आपके में आपकी जो कॉपी है जो हमने इतने दिनों के अंदर जितने भी हम लेसन पढ़ेंगे उनके जो क्वेश्चन है वो आपकी कॉपी में होने चाहिए और वो जैसे स्कूल लगेगी तो मैं उनको चेक करूंगा। इसके अलावा एक तो बात है अपने विद्यार्थियों की जो राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मुद्रिया बड़ा में पढ़ते हैं, इसके अलावा और भी साथी है वो इस चैनल को देख रहे होंगे यूट्यूब पर, तो मैं उनके लिए भी एक अपील करूंगा उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने बच्चों को कहे कि एक नोटबुक लगा लो एक्स्ट्रा से और इसके अंदर जो भी एक्सरसाइज दी जाती है उनको कंप्लीट करें और लॉकडाउन के बाद जैसे ही ये विद्यालय खुलते हैं तो वो नोटबुक है वो अपने विद्यालय में अपने सर से चेक करवा सकते हो जिससे आपको क्या है कि आपका जो लेवल है एक तो आप जैसे ही विद्यालय में जाओगे तो हो सकता है आप उस टॉपिक को पहली बार करो तो क्यों ना उससे पहले भी हम उसके ऊपर रिहर्सल करें, तो अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्लस मिलेगा। तो इसी आशा के साथ मैं है वो इस चैनल का परिचय दे दिया है, अगला वीडियो में है कक्षा 6 के लिए वैदिक गणित का शुरू करूंगा, तो कक्षा 6 के अंदर वैदिक गणित हम टॉपिक करेंगे।